वहीं प्रदेश के कई इलाकों में एनआईए की बड़ी रेड, शातिर गैंगस्टर और उनके गुर्गों और गैंग से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर रेडबारी चल रही है। प्रदेश के 13 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई, जिसमें हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर समेत 13 शहरों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। देर रात से कार्रवाई जारी है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी साथ हैं मौजूद। लगातार एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है और रेड है प्रदेश में भी, आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कई राज्यों में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर और टेररिस्ट के खिलाफ उनके ठिकानों पर लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई है और प्रदेश की बात की जाए तो 13 शहर ऐसे हैं जहां पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है देर रात से ही कार्रवाई जारी है और 13 जिलों में छापेमारी की जा रही है। सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। विनय पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, पूरे बताया जा रहा है प्रदेश भर में 13 शहरों में एनआईए की छापेमारी चल रही है, कहां कहां पर ये छापेमारी और कितना वक्त हो चुका है छापेमारी के, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, एनआईए की जो रेड है वो कल देर रात से ही जारी है और जो शातिर गैंगस्टर हैं या जो उनके गुर्गे हैं और उनके गैंग से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उन तमाम लोगों के ठिकानों को चिन्हित करने के बाद एनआईए वहां पर रेड कर रही है। और प्रदेश में 13 जिले हैं जहां पर ये रेड की जा रही है और 13 शहरों में ये जो रेड है वो लगातार जारी है, चाहे हम बात करें हनुमानगढ़ की, झुंझुनू की, गंगानगर की, जोधपुर की। इसके साथ ही जो हरियाणा से टच होते हुए जितने भी जिले हैं वहां पर भी रेड है वो कंडक्ट की जा रही है और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद हैं। और पहले भी हमने देखा है कि गैंगस्टर्स हैं उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार एनआईए रेड कर रही है, चाहे बात हम लॉरेंस विश्नोई गैंग की करें, रोहित गोदारा गैंग की करें या फिर ऐसी गैंग्स जो दूसरे राज्यों की है लेकिन वो राजस्थान में उसके बदमाश छुपे हुए हैं और राजस्थान से ही वो गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को चिन्हित करने के बाद जो ये कार्रवाई है वो एनआईए के द्वारा की जा रही है और देर रात से ये कार्रवाई चल रही है जो कि अभी तक लगातार जारी है। ठीक है विनय, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देर रात से एनआईए की छापेमारी ये चल रही है, रेड चल रही है और आपको बता दें कि देश भर में 50 शहर ऐसे हैं जबकि प्रदेश में भी 13 शहरों में एनआईए की ये रेड पड़ी है। देर रात से कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। और इसी बीच जयपुर से खबर,